जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भाई साहब चाय पी लो। बहुत 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 ज्यादा मजा आया। अगले साल हम 24 किलोमीटर की करेंगे। मजा किस में आया ये तो बताओ। मजा जब हम पानी में नीचे चले गए। ये हम आ गए हैं नौ देवी जी के दर्शन करने के लिए और फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ। और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा हो रहा है और नीचे देखो नदी बह रही है। और सब लोग फिर अगेन आगे निकल गए हैं और मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने के लिए पीछे रुक चुका हूँ। सो चल रहा हूँ धीरे धीरे और जैसे भी दर्शन होते हैं और अगर जब मैं मोबाइल अलाउ होगा तो वही मैं आपको दिखाऊंगा और नहीं तो बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेट व्यू हुआ है इस टाइम, ये देखो पहाड़ों में। ये गाइस नौ देवी जी के दर्शन कर लो। श्रीधर पंडित जी थे, उन्होंने यहाँ पे कन्याएं जमाई थी। सो नितिन भाई बताएंगे डिटेल में। श्रीधर पंडित जी ने दो कन्याएं को यहाँ जमाया था, वो यही जगह है, इसको नौ देवियाँ बोलते हैं और ये शिवपुरी के रास्ते पड़ती है, कटरा से आते हैं। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। आवाज नहीं आई जय माता की। पहाड़ा वाली जय माता दी। जय माता दी। जय माता की। जय माता की। जय माता की। गाइस मेरे साथ साथ आपने भी नौ देवी जी के दर्शन कर लिए और मतलब बहुत अच्छी गुफा बनी हुई थी। नीचे नीचे बैठ के निकले हम लोग और खूब अच्छे दर्शन हुए। बहुत ठंड है इस टाइम यहाँ पे। ये विकास भाई स्माइल करते हुए आगे से निकल रहे हैं छुपके से। आज जल्दबाजी की वजह से थोड़ा सा व्लॉग शुरू ही नहीं कर पाया। होटल में तो कुछ ऐसा व्यू नहीं था, लेकिन आज की व्लॉग एक अच्छी लोकेशन के साथ हम कर रहे हैं। तो अभी हम हैं यहाँ पे, नौ देवी जी के दर्शन किए हमने अभी जस्ट, और आज हम जा रहे हैं शिवकोरी। और शिवकोरी के रास्ते में जो भी लोकेशन पड़ेंगे या मंदिर जो भी सब होंगे वहाँ के हम आपको भी दर्शन कराएंगे, बताएंगे। सो अभी नौ देवी जी के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आपको दिख ही रहा होगा। सो बस मेरे साथ बने रहें और दर्शन करते रहें। जय माता दी। सो फ्रेंड्स हम शिवकोरी के रास्ते में राफ्टिंग पड़ी है और राफ्टिंग करेंगे अब मस्ती से। बहुत ज़्यादा ठंड है, अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है और वहाँ की अलग से वीडियो मिलेगी, मैं दिखाऊंगा आपको हमने क्या क्या मस्ती करी राफ्टिंग में। मोबाइल तो शायद वहाँ ना मैं अपना यूज़ करूँ पर्सनल, अलग से वीडियो बनाई है वो ज़रूर मिलेगी। तो भाई गुड मॉर्निंग। हाय गाइस। तो भाई साहब चाय पी लो। हम चाय पी रहे हैं, अब राफ्टिंग के लिए जाएंगे। अब राफ्टिंग के लिए जाएंगे, जितने अभी खुश हो रहे हैं थोड़ी देर में खुशी मिलने वाली है। फर्स्ट टाइम है राफ्टिंग का। तो मैंने अभी कर रखी है दो तीन बार, तो मैं ही एक्सपीरियंस बनता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जो एक्सपीरियंस बनता होता है उसी की फुस्सी सी निकल जाती है। तो शायद ऐसा ना हो, बट कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, अब चाय पी लेते हैं और मिलते हैं अब राफ्टिंग कैंप पे। तो गाइस आज का व्लॉग रामनाथ भाई शुरू करेंगे, तो बताएं। हाँ, देखिए आपने ऋषिकेश में बहुत राफ्टिंग की होंगी, अब हम यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं चिनाब नदी में, यहाँ की राफ्टिंग। चॉकलेट भी लाए साथ में जो इसको हम खाएंगे अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके। तो धूमधाम से इस चॉकलेट का नाम
तो पूरी धूमधाम से अपनी राफ्टिंग की तैयारी हो रही है इतनी ठंड में। हमारा वैष्णो माता ग्रुप जो है पूरा एक्टिव राफ्टिंग को, और हम कोशिश करेंगे सकीना को भी वापिस लेकर आए। तो सकीना बेगम तैयार रहे हमारे हैं, तो यहाँ पे तैयारी हो रही है पूरी राफ्टिंग की जाने के लिए। सो अब ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी और बस अब सेफ्टी गैजेट्स पहनते हैं और मिलते हैं आपको। देखिए सभी, आपने ऋषिकेश की राफ्टिंग तो बहुत देखी होगी भाई। हम हैं यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर और ये है चिनाब रिवर, जिसमें हमारा राफ्टिंग चल रहा है अभी अभी शुरू हुआ है। हाउ इज द जोश? यस सर। हाउ इज द जोश? यस सर। दादा रेडी? रामनाथ कूदरे जंप करने जा रहा है। रामनाथ मुंह बंद रखना, मुंह बंद। सो फ्रेंड्स, ठंड में राफ्टिंग करके को भी मजा आ गया। यहाँ राफ्टिंग की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा, देखना जरूर। और मतलब इतनी ठंड में जंपिंग भी करी पर रिवर में, और मतलब अब ठंड लग रही है और शुक्र करो थोड़ी धूप निकल गई तो राहत हो रही है। सो इस कड़कती ठंड में चिनाब रिवर में कटरा से थोड़ी आगे चलती रास्ते में पड़ता है रिवर का ये कैंप। आप आओ और राफ्टिंग करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमने तो ठंड में की है, ठंड में भी हमने मतलब खूब इंजॉय करा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम कुछ लोगों ने जंप की और कुछ ने नहीं की। और आप जब भी आओ यहाँ पे कैंपिंग करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी कोई और डिटेल्स होगी तो आप मेरे कमेंट में लिख देना, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, मतलब क्या प्राइस है और कौन सी लोकेशन से हम बुक कर सकते हैं क्या नहीं, सो पूरी इन्फो मिलेगी। सो बस अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा शिवकोरी। अब करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन और मिलते हैं, और जो भी दर्शन करेंगे जैसे भी होंगे हमेशा की तरह मैं आपको भी दिखाऊंगा। सो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं बोट, अभी हमारी बस हमें जो हमारे जिससे हम आए थे ट्रैवलर से वो हमें थोड़ी आगे मिलेगी, और ये जो गाड़ी है राफ्टिंग वालों की ये हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगी। सो बहुत 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 ज्यादा मजा आया, अगले साल हम 24 किलोमीटर की करेंगे। मजा किसमें आया ये तो बताओ? मजा जब हम पानी में नीचे चले गए, हमें बहुत ऐसा लगा जैसे बस जन्नत मिलने वाली है बहुत जल्द। और ये तो बाहर की फीलिंग है, अंदर की फीलिंग आ रही है। अभी जल्दी से बोट पे चढ़ा लो, अंदर की फीलिंग मत पूछो हमारे से आप। बस अंदर ही अंदर कुछ और बता सकते हो, अंदर ही अंदर कुछ और, बाहर नहीं निकाल सकते अंदर की फीलिंग। बस बाहर फीलिंग तो नहीं निकली, शायद कुछ और निकल गया हो, बट मजा बहुत आया सबके साथ। तो ये हमारे क्या नाम है भाई हमारे? गौरव जी। गौरव जी जी, अरे भैया तो कैसा रहा आपका? कोई प्लानिंग तो नहीं थी भैया, पानी में कूदने की, और इन्हें वहां सरप्राइज मिल गया, लेकिन जबरदस्ती कुदा दिया और पत्थर में कूद पड़े। पत्थर में तो उसकी वीडियो एक बार तो ऐसा लगा गया धारदार लंबा, लेकिन रस्सी फेंक के खार, लेकिन बचा लिया लोगों ने। हमने सहयोग कर दिया, लाखों पाए, अगली बार देखते हैं क्या होगा। जय माता। ये है रचित भाई, ये जंपिंग तो नहीं करी क्योंकि इनका सुसु निकल गया था। भैया सुसु तो निकला नहीं, देखो आज भी क्या निकल लगता है पानी में, पानी में डर लगता है इन्हें। हाँ क्यों? जैसे ऋषिकेश में भी हादसे हुए थे तो इन्हें पानी में इतना डर लगता है, जब से ट्रिप शुरू हुई है नहाई भी नहीं है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। राइडिंग पूरी होने के बाद सो गाइस हमारी बोटिंग तो पूरी हो गई है। अब क्या हुआ, हमने कुछ ज्यादा मस्ती कर लिया तो बजट हमारा थोड़ा सा हल्का हो गया। तो देखो जुगाड़ जुगाड़ते जा रहे हैं, बोटिंग बोट भी रखी ऊपर ही, लोग बोट भी ऊपर ही रखी है। अब इन्होंने हमारे से पता नहीं क्या क्या काम कराएंगे पेमेंट के लिए। सो अब देखते हैं गाइस, कोई हेल्प कर सकता तो कर देना। हम अपने अपने अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो पैसे जो भी आपको अच्छा लगे वो ट्रांसफर कर देना, ठीक है जी। सो गाइस शिवकोटी की यात्रा शुरू कर दी है, और ये देखो कितना साफ पानी है और मछली साफ दिख रही है आपको। सो फाइनली भगवान शिव जी ने अपने दर्शन देने के लिए बुला ही लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं शिवकोटी जी की आज यात्रा, और
बस सबसे पहले हमने यहाँ यात्रा पर्ची ली, हम 10 जने थे तो 10 जनों की यात्रा पर्ची ली जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हम लोग तो पैदल ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन किसी को अगर जो घोड़े से या मतलब कैसे भी जाना हो तो आप जा सकते हैं, घोड़े अवेलेबल हैं। तो अभी तो हम भोले बाबा का नाम लेके चलते जा रहे हैं। और भोलेनाथ और भाई साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे लास्ट दो वीडियो में देख देख के। सो बस अब जो भी इंजॉय करेंगे और बाबा का नाम लेंगे पहुँचते हैं बस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस लाइफ में पहली बार यात्रा कर रहे हैं घोड़ों पे। सो बस अब टाइम की कमी थी तो इसलिए घोड़े कर लिए, ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो हमारा पैदल का ट्रैक करने का इच्छी थी। सो अब देखते हैं, चलो इनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। सब लोग घोड़े पे बैठ चुके हैं इस टाइम। सो भोलेनाथ के दरबार के बिल्कुल जस्ट पास आ चुके हैं और बस सब लोग मिल गए, अब जा रहे हैं सब यात्रा सफल करने, बोले तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए। तो अंदर तो मोबाइल वोबाइल अलाउ है नहीं, सो लॉकर रूम में मोबाइल जमा करके और फिर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम बाबा के दर्शन करके वापस घर की ओर निकल गए हैं और दर्शन हमने बहुत जल्दी कर लिए क्योंकि हमने गेट नंबर 2 जो VIP गेट है वहाँ पे जिनको अपनी ट्रेन लेट है या कुछ और प्रॉब्लम है वहाँ से दर्शन कर सकते हैं डायरेक्ट गुफा में जाके। सो हमने वहाँ दर्शन किए और वापसी की ओर निकल गए। सो गाइस आप जब भी शिवकोड़ी आएँ तो इन भैया से सेवा लें और मेरा नाम लोगे तो थोड़ा कंसेशन भी करेंगे और आपको यात्रा बताते भी रहेंगे। भैया आपका नाम? अशोक कुमार जी। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर भी लेके डाल दूंगा, तो जब भी आए इनसे कॉन्टेक्ट करें और सेवा का लुत्फ उठाएं। सो गाइस मैंने सोचा वापस जाते हुए एक छोटा सा और व्लॉग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा वापस जा रहे हैं अपने बस स्टैंड की तरफ। ये यहाँ पे राम मंदिर है, यहाँ की भी अलग ही कुछ मान्यता है। और जो ये पुल है इन पुल के नीचे जो नदी जा रही है, कहते हैं कि जब यहाँ पे शिवरात्रि का अवसर होता है तो 3 दिन बिल्कुल पानी सफ़ेद हो जाता है और यहाँ लोग स्नान भी करते हैं और मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं भगवान का नाम लेके। सो बस यहाँ से हम चलते जा रहे थे और मतलब भीड़ बढ़ती ही जा रही थी आगे के लिए। जो शिवकोड़ी जी की जो मेन गुफा है वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए अगर जो किसी भी सीनियर सिटीजन को या कोई बच्चे हों और जिन्हें कोई सांस की हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको गेट नंबर 2 से ही जाना चाहिए। दर्शन बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, सब लोग सपोर्ट करते हैं, सेवा भाव भी अच्छा है लोगों का। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वे भी पूरे अच्छे से हमारे लोगों का ध्यान रखते हैं। ये दूर एक झरना मैंने दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, धन्यवाद।